प्यारे अजीजों, प्यारे भाई बहनों, सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज जो हमारा विषय है वो विषय है बपतिस्मा। देखिए, बाइबल में कई बार बपतिस्मा का जिक्र किया गया है। आज दुनिया में कई तरह की कलीसिया है, जैसी कलीसिया वैसा बपतिस्मा हो गया है। आज कई कलीसिया में छोटे छोटे बच्चों के सर पर पानी के कुछ छींटे मारकर बपतिस्मा दिया जाता है। कुछ कलीसिया में पानी के कुंड में घुटनों के बल बिठाकर जा डुबोकर बपतिस्मा दिया जाता है। कई जगह पर तो झंडे के नीचे से व्यक्ति को निकाल कर बपतिस्मा दिया जाता है। कई जगह पर बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। कई कलीसियाओं का तो कानून होता है, कहीं भी बपतिस्मा लिया हो पर हमारे सदस्य बनोगे या हमारे साथ जुड़ोगे तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा। परमेश्वर एक ही है। प्रभु यीशु ने कहा, तू पतरस है, मैं तुझ पर मेरी मंडली बनाऊंगा। मत्ती 16:18 के अनुसार बाइबल में कुछ ऐसे काम है जो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं। उनमें ये मंडली बनाने का काम भी प्रभु यीशु का है, जो उन्होंने 50वें दिन पतरस पर बना दी। प्रेरितों के काम में 2:1-4 तक जब पतरस ने प्रचार किया, तब परमेश्वर की बातों को मानने वाले 3,000 उस मंडली में मिल गए। प्रेरित 2:41। आज जो अलग अलग मंडली दिख रही है वो इसलिए कि वो परमेश्वर ने नहीं बनाई। अगर सभी मंडली परमेश्वर ने बनाई होती तो सभी में एक ही तरह का बपतिस्मा होता। जब मंडली एक, बपतिस्मा एक, पवित्र आत्मा एक, तो समझ भी एक ही होनी चाहिए। समझ भी एक ही होनी चाहिए ना। कई लोग तो समझते हैं कि पवित्र आत्मा उसको ऐसे सिखाते हैं, मुझे ऐसे सिखाते हैं। क्या पवित्र आत्मा एक ही बात अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को सिखाएगी? नहीं, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ सब एक मन होते हैं। प्रेरित 4:32 के अनुसार कोई एक ही बपतिस्मा सच्चा है जो हम बाइबल से देखेंगे। बपतिस्मे का अर्थ, नंबर एक, पहले हमें बपतिस्मे का अर्थ मालूम होना है कि ये बपतिस्मे का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो ये जान लो कि बपतिस्मा शब्द अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी नहीं है। नया नियम यूनानी ग्रीक भाषा में लिखा गया था। बपतिस्मे के लिए ग्रीक शब्द है बेप्टिजो, जिसका अर्थ होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा तो पानी में डूबना। लोगों ने बैप्टिजो का बपतिस्मा जा बैप्टिसम कर दिया। मतलब पानी का बपतिस्मा तो पानी में डूबना तो ही है। तो बाइबल में कैसा बपतिस्मा है, हम देखेंगे। बाइबल में बपतिस्मा कैसा है? बाइबल में सबसे पहले मूसा का बपतिस्मा आया था। यूहन्ना ने वो रद्द करके अपना शुरू किया और प्रभु यीशु ने यूहन्ना का रद्द करके अपना बपतिस्मा शुरू किया, जो हमेशा के लिए है। मूसा से शुरू हुआ इसलिए उसे मूसा का बपतिस्मा कहा गया। जो मूसा का बपतिस्मा लेते थे वो मूसा के चेले कहलाते थे। पहला कुरंथी 10:2। यूहन्ना ने शुरू किया इसलिए वो यूहन्ना का बपतिस्मा कहा गया। प्रेरित 19:3 के अनुसार प्रभु यीशु ने शुरू किया इसलिए प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा कहा गया। प्रेरितों के काम 2:38-19:5। जिस तरह से पुराने नियम की कई बातें प्रभु यीशु के आने तक ही ठहराई थी, कुलुसियां 2:14, उसी तरह से मूसा का बपतिस्मा यूहन्ना तक था और यूहन्ना का प्रभु यीशु के समय तक था। मूसा और यूहन्ना क्या बोलकर बपतिस्मा देते थे?
वो बाइबल में नहीं लिखा गया क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी, पर प्रभु यीशु का बपतिस्मा तो आज भी है, इसलिए लिखा गया है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जो हम बपतिस्मा देखते हैं उसके लिए हमें यही मिलता है, लिखा भी है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मत्तीस 28:19। और जो विलियम बरनाम वाले हैं जो एंड टाइम मिनिस्ट्री से है, जहाँ ओनली जीसस वाले हैं, वो ऐसी बातें फैलाते हैं कि बपतिस्मा तो प्रभु यीशु के नाम से होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं। उनका मानना है कि चेलों ने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, प्रेरित 2:38 के अनुसार और प्रेरित 19:5 के अनुसार। तो प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा मतलब जो प्रभु यीशु ने शुरू किया, तो प्रभु यीशु ने कौन सा बपतिस्मा शुरू किया? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का। तो मेरे अजीजों, आज बहुत सारी संस्थाएं हैं वो आपके सामने, जब आप विश्वास में चल रहे हो, मसीह में बढ़ रहे हो, तो आपके सामने बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल लेकर आएगा। इसलिए आप वचन के ऊपर विश्वास करें, बाइबल के ऊपर विश्वास करें। तो आइए आगे हम देखते हैं बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। अगला पॉइंट है बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। बपतिस्मा लेना जरूरी है, पर क्यों? किसी इंसान ने समझो कि खून कर दिया, बाद में उसे होश आया, मैंने तो बड़ी गलती कर दी, अब वो अपना रास्ता सुधार लेता है, अब वो प्रार्थना करता है, संगति में जाता है, बाइबल भी पढ़ता है, दान भी देता है, आदि आदि। अब वो फिर से कभी भी खून नहीं करेगा, पर जो खून हुआ है उसका क्या? कानून उसकी सजा तो देगा ही। जब इंसान को बाइबल के वचन पता चल गए, उस पर विश्वास आ गया, अब वो अपना जीवन सुधार रहा है, पर पहले परमेश्वर के विरोध में जो गलतियां पाप हुए हैं उसका क्या? वो तो नरक में ही जाएगा। नरक से बचने के लिए उसे पहले जो गलती हुई है उसकी माफ़ी चाहिए, और बपतिस्मे से ही पापों की क्षमा मिलती है, प्रेरित 2:38। जीवन सुधार लो, पर पहले किए गए पापों की क्षमा ना मिली हो तो इंसान नरक से नहीं बच सकता। प्रभु यीशु हमको लेने आने वाले हैं। जब प्रभु यीशु आएंगे तब पुनर्थान होगा, पर पुनर्थान किसका होगा? जो मर चुका हो उसका ही पुनर्थान हो सकता है। बपतिस्मा हमारा मौत दर्शाता है। बपतिस्मे से इंसान, संसार, परिवार, शैतान, पापों के लिए मर जाता है, और मर गया है तो ही उसका पुनर्थान होगा, रोमी 6:4-5। अगर पापों की माफी चाहिए और पुनर्थान पाना है तो बपतिस्मा 100% जरूरी है। तो अगला पॉइंट है बपतिस्मा कौन ले सकता है। जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों ने विश्वास किया और पतरस से पूछा, अब हम क्या करें? तब पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और पापों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, प्रेरित 2:37-38। चोर चोरी करता है, उसे कोई अफसोस नहीं होता, झूठे झूठ बोलते हैं और उसमें आनंद करते हैं, ऐसे लोग कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु को मार दिए गए थे तब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसे मार दो, मार दो, और लोग यही समझ रहे थे कि हम सही कर रहे हैं। उनको ऐसा था, हमने एक झूठे भविष्यवक्ता को खत्म करके इज़राइल से पाप दूर किया है। प्रभु यीशु ने भी कहा था कि लोग तुम्हें मार देंगे और ऐसा समझेंगे कि हमने परमेश्वर की सेवा की, यूहन्ना 16:2। ये सारे लोग इज़राइल में पर्व मनाने आए थे, प्रभु यीशु को मारकर सभी खुश थे, उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने पाप किया है।
इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था, इनको माफ करो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, लूका 23:34 के अनुसार। लेकिन पतरस ने प्रचार में कहा, तुम लोगों ने जीवन के अधिकारी को मार दिया, पर तो भी हुआ क्या, वो तो तीसरे दिन वापस जिंदा हो गए। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। प्रेरित 2:22-36। जब लोगों ने ये सुना तो उनके वचन पर विश्वास आया, तब पता चला कि हमने पाप किया। तब उन्होंने पतरस से पूछा, हम क्या करें? तब पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और पापों की माफी के लिए बपतिस्मा लो। प्रेरित 2:37-38। जब तक वचन पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक कोई पश्चाताप नहीं कर सकता, और बपतिस्मा वो ही ले सकता है जिसने परमेश्वर के वचन पर सही विश्वास किया हो और पश्चाताप किया हो। तो प्यारे अजीजो, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, पश्चाताप क्या है? पश्चाताप है क्या? पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पश्चाताप का मतलब क्या। कई लोगों को पाप का दुख होता है, उसे लोग पश्चाताप समझते हैं। पाप का दुख होना पश्चाताप नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, यूना का प्रचार सुनकर नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। मत्तयी 12:41। नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया मतलब कुछ किया, जिसे प्रभु यीशु ने पश्चाताप कहा। नीनवे के लोगों ने ऐसी कौन सी बात की जिसे प्रभु यीशु पश्चाताप कहते हैं? पश्चाताप में सब मिलाकर 9 बातें हैं जो नीनवे के लोगों ने पूरी की। जब वो सारी पूरी होती है तो उसे परमेश्वर पश्चाताप कहते हैं। पहला, नीनवे के लोगों के वो 9 बातों को देखेंगे जो उन्होंने क्या की, पूरी की। तो आइए, पहली बात है परमेश्वर के वचन पर विश्वास। नीनवे के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या किया था, विश्वास किया था। यूना की किताब 3:5। दूसरा पॉइंट है उपवास। उन्होंने क्या किया, उपवास किया। तीसरा था टाट ओढ़ना, और चौथा है राजा का गद्दी पर से उठना, और पांचवा है राख में बैठना, और छठा है राज्य की ओढ़ना उतारना, और सातवां है नहीं खाना नहीं पीना, और आठवां है जोरों से पुकार, और नौवां है जुलम बंद करो। तो प्यारे जीजो, हम इन 9 बातों को देखते हैं। ये 9 बातें क्या है? तो आइए हम पहला देखेंगे। पहला हमारा वही नीनवे के लोगों का जो पश्चाताप है, उसका पहले का परमेश्वर के वचन पर विश्वास। तो नीनवे के लोगों ने यूना पर नहीं, पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। यूना नबी की किताब 3:5। एक भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता पर विश्वास किया और वह मारा गया क्योंकि भविष्यवक्ता झूठ बोल रहा था। 1 राजा 13:1-25। आप जिस पास्टर, सेवक या दास पर विश्वास करते हो, क्या वो बाइबल से ही सच्चाई बता रहे हैं? क्या आप जांचते हो, बाइबल खोलकर देखते हो, जहाँ आंखें बंद करके सब कुछ मान लेते हो? जब परमेश्वर खुद अपने दास पर विश्वास नहीं करते, 4:18-15:15, तो आप कैसे कर सकते हो? सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। आज लोग पास्टर, सेवक, दास, बिशप, आगुए जो भी कहते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी सारी कलीसियाएं, अलग अलग बपतिस्मा, अलग अलग रीति से प्रभु भोज नहीं होता। पर हमें किसी के
ऊपर नहीं पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। चाहे कोई राजा हो या कोई भी, विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन पर। भजन संहिता 146 का 3 में, कोई कुछ भी कहे पहले बाइबल खोलो और देखो ऐसा है कि नहीं, है तो मानो वरना छोड़ दो। तो दूसरा है उपवास। दूसरा पॉइंट क्या है निनवे के लोगों का? उपवास। 40 दिन वाला फोकट नहीं, निनवे के लोगों ने उपवास का ढिंडोरा पिटवाया। यूना नबी की किताब उसका 3:5 में लिखा है, उन लोगों का 40 दिनों में नाश होने वाला था पर वो बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विश्वास किया। उपवास इसलिए किया जाता है कि परमेश्वर प्रार्थना सुने। उपवास में सिर्फ भूखा प्यासा रहना इतना ही नहीं होता पर साथ में अपने निजी कामों को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में मतलब पाप से दूर। यशाया का पुस्तक में लिखा है 58:3 में, 3-9 तक, तो प्रभु यीशु ने क्यों उपवास किया था? सामर्थ पाने के लिए, शैतान को वश करने के लिए, उस पर जीत पाने के लिए। परमेश्वर ने हमें उपवास करने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, हम कर सकते हैं, वो खुद के लिए है। निनवे के लोगों का नाश ना हो इसलिए उन्होंने उपवास किया। उपवास करने का कारण ये था कि पापों की क्षमा मिले। तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे निनवे के लोगों का, टाट ओढ़ना। निनवे के लोगों ने टाट पहना। यूना 3:6 में, संसार की वस्तुओं को छोड़ना टाट पहनने से पहले पहने हुए कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो कपड़े संसार पर प्रेम दर्शाते हैं या संसार की बातें दर्शाते हैं। संसार की बातें मतलब मौज, शौक, अजैशी। पहला याकूब की पत्री में 4:3 में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि कीमती भड़कीले कपड़े, टीवी, फिल्में, बंगला, गाड़ी आदि आदि संसार की चीज़ें हैं। परमेश्वर कहते हैं संसार की वस्तु पर प्रेम ना रखो, वो शैतान से है। पहला यूहन्ना की पत्री में 2:15-17 तक, लूका 4:5-6 तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर शैतान कहता है, पैरों में गिरकर मेरी भक्ति कर, यह संसार की सारी वस्तुएं मैं दूंगा क्योंकि वो मेरी है। लूका 4:5-7 तक, जो संसार पर मन लगाता है वो संसारिक है, जो संसारिक मन तो मौत है। रोमी 8:5-8 तक, संसार में तो हम थे ही, अब हमें जीवन चाहिए तो संसार से तो बाहर निकलना ही होगा। निनवे के लोगों ने संसार की वस्तुओं को त्याग दिया। उन्होंने क्या किया? त्याग किया। तो चौथा पॉइंट है निनवे के लोगों का, राजा का गद्दी पर से उठना। ये दर्शाता है कि अपने मान सम्मान या ऊंची पदवी को छोड़ देना। आप चाहे फैक्ट्री के मालिक हो, मैनेजर हो, या डायरेक्टर हो, या सीए हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, नेता हो, ऑफिसर हो, वकील हो आदि हो, तो कोई बात नहीं, वो सब छोड़ दो। छोड़ने का मतलब परमेश्वर के काम में पद रुकावट नहीं बनना चाहिए। जो आपका ओहदा है वो परमेश्वर के काम में क्या नहीं बनना? रुकावट नहीं बनना चाहिए। घुटनों पर गिरने में शर्म नहीं आनी चाहिए। निनवे के राजा गद्दी पर से उठ गया, यूना की किताब उसका 3:6 में, क्योंकि वो बचना चाहता था। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें माफ़ी चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए। हम परमेश्वर हमारे गर्जवान नहीं, परमेश्वर को हमारी सेवा नहीं चाहिए। प्रेरित 17:25, परमेश्वर राजा को अपने पद से हटा सकते हैं। भजन संहिता 75:7, परमेश्वर किसी की भी आंख की शर्म नहीं रखते। व्यवस्था विवरण 10:7, बचना है तो अपना पद या डिग्री छोड़ दो।
जो फरीसी अपनी अक्कड़ में परमेश्वर के पास गया उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। बाकी चुंगी लेने वाला मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, वो भी तो ऑफिसर था पर आम इंसान बनकर परमेश्वर के पास गया तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। लूका 18:11-14 तक। परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच में आम इंसान बनकर रहो। और पांचवा पॉइंट है राख में बैठना। निनवे के लोग राख में बैठे यूना 3:6, मतलब सबसे नीची वाली जगह पर जो नम्र होते हैं परमेश्वर उनके साथ सीधी बात करते हैं। मूसा नम्र थे तो परमेश्वर उनसे सीधी बात करते थे, पर कोई और भविष्यवक्ता हो तो परमेश्वर उसे दर्शन या स्वप्न में भेद से बातें करते हैं। गिनती 12:3-8 में। आज तक नीनवे के लोगों ने शैतान की बातें सुनी थी पर अब परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते थे, इसलिए अपने आप को नम्र किया। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, बड़ा होना चाहते हो तो सबका दास बनो। मत्ती 20:26। अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाओ ताकि वो उच्च स्थानों पर बिठाए। 1 पत्रस 5:7, याकूब की पत्री 4:10। हमको ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है पर हमें तो नम्र होकर नीचा ही होना है। और छठा बात जो निनवे के लोगों का है वह है राज्य की ओढ़ना उतारना। यूसुफ का हक था कि वो जेल ना भुगते पर फिर भी पोतीफर की पत्नी की इज्जत बचाने, उसका पाप ढकने के लिए यूसुफ ने अपना हक छोड़ दिया और जेल चला गया। उत्पत्ति 39:7-23 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। चाहे हमारा बुरा हो, चाहे हमारा नुकसान हो, फिर भी हमें हमारे हक के लिए लड़ना नहीं, उसे छोड़ना है। ये काम निनवे के लोगों ने किया, मतलब अपना हक छोड़ दिया। उस समय राजा लोग जामुनी कुर्ता पहनते थे, प्रभु यीशु को भी वही पहनाकर ठट्ठा किया गया था। मत्ती 27:28-31 तक। जामुनी कुर्ता था राज्य की ओढ़ना, वो राजा का हक दर्शाता है जो उन्होंने छोड़ दिया। जो पाप करे वो मर जाए। उत्पत्ति 2:17, रोमी 5:12। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, जीना उनका हक था, फिर भी छोड़ दिया और मारा गए। सातवां पॉइंट देखते हैं निनवे के लोगों का, नहीं खाना नहीं पीना। उपवास तो था ही, खाना पीना तो था ही, नहीं तो फिर से खाने पीने की बात क्यों। ये बात ये दर्शाती है कि जब हमारे जीवन की कोई भी मर्जी नहीं, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए। परिवार या रिश्तेदार या किसी की मर्जी पूरी नहीं करनी। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर की मर्जी पूरा करना ही भोजन है मेरा, यूहन्ना 4:34 में। अब हमें दूसरा भोजन नहीं खाना। अब किसी भी देवी देवता या परिवार कोई नहीं, यहाँ तक खुद की मर्जी भी नहीं, पर सिर्फ परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। मत्ती 16:24। प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मत्ती 10:37, लूका 14:26-33 तक। यहाँ तक कि हमें खुद का भी इनकार करना है। आज तक यही तो करते आए थे तो क्या मिलने वाला था, नरक। तो हमें क्या करना है? हाँ, प्रभु यीशु ये नहीं कहते उनसे प्रेम ना करो, पर परमेश्वर कहते हैं पहले मेरी मर्जी पर चलो। और आठवीं बात देखते हैं, जोरों से पुकारो। निनवे के लोगों का आठवीं बात क्या है, जोरों से पुकार। ये दर्शाता है कि प्रार्थना ऐसी करो कि जो सुनी जाए। हमारे परमेश्वर मन के विचार जान लेते हैं। मत्ती 9:34, हमारे बोलने से पहले सुन लेते हैं। भजन 139:4, उनके कान मंद नहीं कि ना सुन सके। यशायाह 51:1-2, परमेश्वर के आगे जोरों से बोलना जरूरी नहीं है,
पर कहने का मतलब सुनी जाए ऐसी प्रार्थना करो। प्रार्थना धूप के समान है, प्रकाशित वाक्य 5:8। धूप हवा से हल्का होता है, इसलिए उसे कोई रोक नहीं सकता, वो ऊपर चढ़ता ही रहता है। प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए कि रुके नहीं, परमेश्वर के पास पहुंची जाए। धूप ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है और पानी में रूपांतरित हो जाता है, तब उसका वजन बढ़ जाने के कारण नीचे आता है। हमारी प्रार्थना आशीष बनकर वापस आनी चाहिए। वो जो फरीसी की तरह प्रार्थना ना करे। लुका 18:9-14। जब विदेशियों जैसी लंबी लंबी प्रार्थना ना करो। मत्ती 6:7। परमेश्वर सब जानते हैं कि निनवे के लोगों ने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर ने सुनी और वह सब बच गए। यूना 3:10। ऐसे ही प्रार्थना करो। और 9वां जो बात है वो है जुल्म बंद करो। मतलब ऐसी जो भी आदतें हैं जिसे बुरा काम कहते हैं छोड़ दो। निनवे के लोगों ने ये 9 बातें करने में की। यूना 3:5-9। तब परमेश्वर ने कहा, उन्होंने पश्चाताप किया। मत्ती 12:41। क्या मैंने पश्चाताप किया? ये 9 बातें देखकर परमेश्वर को दुख हुआ कि मैं क्यों इन लोगों का नाश करूं, और परमेश्वर पछताए। यूना 3:10। आप पश्चाताप करो तो परमेश्वर पछताएंगे। ये 9 बातें जो आने वाले जीवन में पता चलेंगी कि है कि नहीं, पर जो उसके लिए तैयार हो गया तो हम कह सकते हैं कि उसने पश्चाताप किया। जो व्यक्ति पश्चाताप कर ले वो बपतिस्मा ले सकता है। बिना पश्चाताप कोई भी बपतिस्मा नहीं ले सकता। तो प्यारे जी, जो अब हम देखेंगे बपतिस्मे के लिए कौन सी आयु की ज़रूरत है। आयु बोलने का मतलब एज, किस एज वाले को, किस उम्र वाले को बपतिस्मा लेना है। तो प्यारे बात करते हैं, विश्वास और पश्चाताप कौन कर सकता है? क्या नाबालिग बच्चा पश्चाताप कर सकता है? एक समझ चल रही है कि इंसान समझदार हो जाए तो वह बपतिस्मा ले सकता है। तो समझदार किसे कहा जाएगा? 5 साल के बच्चे में भी इतनी समझ तो होती है कि स्कूल में कैसे बैठना है। क्या यह समझ बपतिस्मे के लिए काफ़ी है? क्या 5 साल का बच्चा पश्चाताप कर पाएगा? भारत सरकार 18 साल के व्यक्ति को पुख्त कहती है। तो क्या बाइबल में कोई नियम है? जब परमेश्वर ने इज़राइल की गिनती करने की बात की तब कहा था बच्चों की गिनती नहीं करनी है, और बाइबल में लिखा है बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर जो गिनती थी वो तकरीबन 6 लाख थी। निर्गमन 12:37। फिर उनकी सही गिनती भी लिखी है, वहाँ पर लिखा है 20 साल से ज़्यादा की आयु वाले की गिनती की गई, वो 6,03,550 थे। निर्गमन 38:26। स्त्रियों की गिनती इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने पति की पसली है और परमेश्वर उन दोनों को एक ही गिनते हैं, इसलिए नहीं की। मत्ती 19:6। निर्गमन 12:37 में जो लिखा है बच्चे मतलब गिनती आयु के हैं, वो निर्गमन 38:26 में स्पष्ट होता है कि वो 20 साल की आयु से छोटे हैं। तो मतलब परमेश्वर की निगाह में 20 साल से छोटा व्यक्ति बच्चा है, और परमेश्वर उनके लिए कहते हैं कि उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं। व्यवस्था 1:39। अब जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो पश्चाताप कैसे कर सकता है? और बिना पश्चाताप तो बपतिस्मा नहीं लिया जा सकता। मतलब बपतिस्मे के लिए व्यक्ति कम से कम 20 साल का तो होना ही चाहिए। कई लोग विवाद करते हैं ऐसा कहाँ लिखा है कि 20 साल से पहले बपतिस्मा नहीं ले सकते। ये वो मूर्ख लोग हैं जो इस वचन का विरोध करते हैं। बाइबल में कोई पुस्तक किसी एक विषय को पूरा नहीं करता, पर एक विषय के बारे में पूरी तरह जानने के लिए पूरा बाइबल पढ़ना पड़ता है। तो आइए अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, बपतिस्मे का आत्मिक अर्थ।
बपतिस्मा पापों की माफ़ी के लिए लिया जाता है, पर आत्मिकता में वो और भी हमें कुछ सिखाता है। यूना कहते हैं, जिस तरह से वो प्रकाश में है उसी तरह से प्रकाश में चले, तो हम भी आपस में संगति है और प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना एक का सात। यूहन्ना का कहना है प्रभु यीशु के लहू से पापों की माफ़ी है। पतरस का कहना है बपतिस्मे से पापों की माफ़ी है। सही क्या है? पूरा बाइबल सही है। यूहन्ना और पतरस दोनों सही कह रहे हैं। कैसे? प्रकाश क्या है? प्रकाश परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 119:105। जब हम वचन में आते हैं, मतलब आज्ञाकारी में आते हैं, तब प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पौलुस कहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत में बपतिस्मा लिया। रोमी 6:3। प्रभु यीशु की मौत कैसे हुई? प्रभु यीशु ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। लहू में जान है। लेवी 17:11। लहू के बह जाने से प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी, प्राण छोड़ दिया। मत्ती 27:50। बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु की मौत में डूबना, मतलब प्रभु यीशु के लहू में डूबना। जब व्यक्ति बपतिस्मे के पानी में डूबता है तो वह परमेश्वर का वचन जो प्रेरित 2:38 में है वो पूरा करता है, मतलब प्रकाश में आता है। तो प्रभु यीशु का लहू उसे शुद्ध करता है, मतलब बपतिस्मा का पानी उतने समय के लिए बपतिस्मा लेने वाले के लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। इस तरह से पतरस और यूहन्ना दोनों की बातें सच्ची होती हैं। बपतिस्मा प्रभु यीशु के साथ में हमारी मौत भी दर्शाता है। रोमी 6:4। जब व्यक्ति बपतिस्मे के पानी में डूबता है तो समझो संसार, पाप, शैतान के लिए वो मर जाता है, और जब वो पानी से उठता है तो समझो उसका नया जन्म होता है। यूहन्ना की किताब 3:5। नया जन्म मतलब पुराना जन्म, पुरानी बातें, पुरानी इंसानियत, पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, संपूर्ण खत्म। पौलुस कहते हैं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके काम के साथ उतार दिया है और नई इंसानियत जो प्रभु यीशु के स्वभाव में है वो पहन ली है। कुलुसियों की किताब 3:9-10 और एफेसियों की पत्री 4:22-24। अब इंसान के पास जो जीवन बचा है वो नया जीवन है, जिसमें पुराने जीवन का कुछ भी नहीं है। इसलिए बपतिस्मा को दफनाना कहा गया है। रोमी 6:4। बपतिस्मा मौत है तो ही पुनर्थान हो सकता है, बिना मौत पुनर्थान नहीं हो सकता। मतलब बपतिस्मा नहीं लोगे तो स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, देख भी नहीं सकते। यूहन्ना 3:3। मतलब बपतिस्मे का पानी उतने समय के लिए बपतिस्मा लेने वाले के लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। तो बपतिस्मा का पानी प्रभु यीशु का लहू है। बपतिस्मे के बाद पुराने जीवन की कोई बात दिखनी नहीं चाहिए। पानी जैसे हमने देखा, बपतिस्मे का पानी प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु का लहू बह रहा है, बहाया गया है। मत्ती 26:28, मरकुस 14:24, लूका 22:20। जब बपतिस्मे का पानी प्रभु यीशु का लहू बन जाता है तो प्रभु यीशु का लहू तो बहता है तो पानी भी बहता ही चाहिए। जैसे प्रभु यीशु का शरीर मूल है जिससे लहू बहता है, वैसे ही प्रभु यीशु और चेले भी नदी के बहते हुए पानी में बपतिस्मा देते थे। जिस हबशी को बपतिस्मा दिया गया था वो जगह हेब्रोन से 2 मील की दूरी पर थी और यरूशलम से 22 मील की दूरी पर था। यहाँ पर नदी थी। बाइबल में यह शब्द लिखा है जल की जगह, उसका मतलब तालाब नहीं होता, पर जहाँ जल था वो जगह प्रेरित 8:36। तो हबशी का बपतिस्मा भी बहते हुए पानी में ही हुआ है। बपतिस्मा उसका हुआ तो बहते हुए नदी में ही हुआ है। तो आइए हम देखते हैं अब बाइबल में से
एक ही बपतिस्मा है। बाइबल में हम देखते हैं, सिर्फ बाइबल में क्या है, एक ही बपतिस्मा है। बाइबल में लिखा है एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, Ephesians 4:5। सभी लोग यही पढ़कर बैठ जाते हैं, एक बपतिस्मा तो प्रभु भी एक है, तो क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन को मानते हो? लोगों के पास जवाब है, वो तीन मिलकर एक है। हाँ, वो तीन एक है, पर गिनती में तीन ही है। Yohana 14:16, Utpatti 19:24, Zechariah 3:2, Utpatti 1:26। ध्यान से पढ़ना, एक से ज़्यादा प्रभु नजर आएंगे। यूनानी में एक के लिए दो शब्द है, जखेद मतलब एक गिनती वाला, और दूसरा शब्द है एक केद मतलब एक, हम सब एक है, ये अर्थ वाला। पौलुस एक बपतिस्मा कहते हैं, वो एक नहीं एक है। एक का मतलब है पहले विश्वास, फिर पश्चाताप, फिर बहते पानी में डूबना, वो भी कम से कम 20 साल की आयु होनी चाहिए तो बपतिस्मा बनता है। एक बपतिस्मा मतलब ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें से आयु, विश्वास या पश्चाताप या बहता हुआ पानी कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी है, तो समझो बपतिस्मा नहीं हुआ, वो किसी कलीसिया का रिवाज पूरा किया है। और साथ में बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास होना चाहिए, यही सच्चा बपतिस्मा है। पौलुस जिनको लिखते हैं एक बपतिस्मा, वो है एफेसस के लोग थे, और उन्हीं लोगों को पौलुस ने दूसरा बपतिस्मा दिया था, क्योंकि वो लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर बैठे थे, और पौलुस ने उनको प्रभु यीशु मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा दिया, Prerit 19:1-6। ध्यान से पढ़ना, आयु, विश्वास, पश्चाताप, बहता पानी और अभिषेक दास, इतनी बातें जब तक पूरी नहीं होती, तो ऐसे चाहे 1000 बपतिस्मा ले लो तो भी आपको ये बाइबल वाला बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। शैतान भी लोगों को ऐसे बांध कर रखता है, ऐसा अंधा बना देता है कि इंसान झूठ बोलने से, चोरी करने से, व्यभिचार करने से नहीं रुकता, पर कहीं दोबारा बपतिस्मा लेकर मैं पाप तो नहीं कर रहा, ये सोचकर सच्चे बपतिस्मे में बिंदास दूर रहता है। तो आइए आगे हम देखेंगे बपतिस्मे के बाद। अगला पॉइंट है बपतिस्मे के बाद, बपतिस्मा अंत नहीं है। आगे हमें बपतिस्मे के बाद करना क्या है, बपतिस्मा अंत नहीं है, आत्मिक जीवन में बपतिस्मा शुरुआत है। बपतिस्मे से इंसान पवित्र आत्मा से पैदा होता है, Yohana 3:5। एक पैदा हुए बच्चे को भूख लगती है और उसे दूध की जरूरत होती है, वैसे ही बपतिस्मे के बाद इंसान को आत्मिक दूध की जरूरत होती है, 1 Petrus 2:2। धीरे धीरे उसे वचन में और आगे बढ़ना पड़ता है, उससे संपूर्णता की ओर बढ़ना पड़ता है, अब उसे भारी खुराक भी देना पड़ता है, Hebrews 6:1। प्रभु यीशु ने भी कहा, बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो उनको मानना सिखाओ, Matthew 28:19-20। जो बपतिस्मा देता है उसका फर्ज होता है कि अब उसे आज्ञा मानना सिखाए और स्वर्ग राज्य के लिए संपूर्ण तैयार करे। तो प्यारों आगे हम देखेंगे पवित्र आत्मा। पतरस ने कहा कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो ताकि पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, Prerit 2:38। जब इस तरह से सच्चा बपतिस्मा होता है तब पवित्र आत्मा से व्यक्ति भर भी जाता है, Prerit 8:14-17 और 19:1-6। क्योंकि जब पौलुस ने 12 एफेसस के लोगों को देखा जो चेले थे, प्रचार कर रहे थे, पर उनमें पवित्र आत्मा नहीं था, तो पौलुस ने सवाल किया,
आपने जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया, अब ये लोगों ने पवित्र आत्मा शब्द भी नहीं सुना था, इन्होंने शब्द ही क्या करा, नहीं सुना हुआ था, पहली बार ही पौलुस से सुना। तो पौलुस को सवाल हुआ, क्या इन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया होगा? जब पूछा कि बपतिस्मा लिया है, तब उन्होंने कहा हाँ यूहन्ना का। तब पौलुस को पता चल गया कि गलत बपतिस्मे की वजह से इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। जैसे ही उनका सही बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा भी मिल गए। प्रेरित 19:1-7, पवित्र आत्मा का नहीं आना मतलब गलत बपतिस्मा समझ ही लेना। यहूदी लोग विदेशियों को अशुद्ध समझते थे, इसलिए वो उनसे व्यवहार नहीं रखते थे। कुर्नेलियुस विदेशी था। जब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि पतरस को बुला, तो पतरस नहीं जाता, पर परमेश्वर ने उसे भी दर्शन से बताया, जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत कहो। जब पतरस गए तो भी उनके अंदर ऐसा तो होगा ही, इन विदेशियों के पास उधार नहीं, पर बिना बपतिस्मा उन पर पवित्र आत्मा उतारेंगे। तब पतरस ने कहा, अब मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर पक्ष नहीं करते, उन्हें बपतिस्मा दे दो। प्रेरित 10 पूरा पढ़ना। अगर पवित्र आत्मा नहीं आते तो पतरस भी बपतिस्मा नहीं देते, इसलिए सिर्फ यही जगह पर पवित्र आत्मा को पहले उतारा गया। आप ऐसी उम्मीद में समय मत गवा देना। और अगर बिना बपतिस्मा स्वर्ग नहीं जा सकते, तो मरता हुआ चोर क्यों चला गया? सवाल है, मरता हुआ चोर स्वर्ग में क्यों चला गया? परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु को मुर्दों से जिलाए गए, वैसे ही तुम भी बपतिस्मे के बाद नए जीवन में चलो। रोमी 6:4। नए जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा नहीं चल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरित 1:8। बिना पाप जीवन जीने का सामर्थ बिना पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जिसकी आयु अभी तक पूरी नहीं हुई, उनको नए जीवन में जीना है, और इसलिए पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। पर जिसके पास जीवन है ही नहीं, उसके लिए बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। चोर मरने वाला था, इसलिए उसे बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। आज भी कोई बीमार है जिसकी आयु काफ़ी हो चुकी है, जिसके पास जीवन नहीं है, उसके पाप माफ़ करके परमेश्वर उसे स्वर्ग ले जाएंगे। क्या बिना बपतिस्मा उसे माफ़ी मिल सकती है? हाँ, परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो लोगों के पाप माफ़ कर सके। यूहन्ना 20:23। जो मरने वाला है उसके पाप आप अगर अभिषिक्त हो तो माफ़ कर सकते हो, परमेश्वर भी उसे माफ़ करेंगे। पर जिसके पास जीवन है उसे बपतिस्मे के लिए तैयार करना है। तो आइए अब हम देखेंगे बपतिस्मे का सार, इसका सार क्या है। जैसे बताया गया है वैसे बपतिस्मा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो संदेह मत करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले लो। कई लोग बपतिस्मे को विधि समझते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने सारी विधि को निकाल दिया है। कुलीसी 2:14। बपतिस्मा कोई विधि नहीं है। अगर आप खाना खाने बैठे, खाने में दाल रोटी सब्जी चावल है, तो आप उसे कैसे खाएंगे? पहले दाल पी जाएंगे, फिर सब्जी खा लोगे, फिर रोटी, फिर चावल खाओगे? ऐसे नहीं, आप रोटी के साथ सब्जी ही खाओगे, फिर चावल और दाल मिक्स करके खाओगे। क्या ये आपने कोई विधि की? नहीं। इसी तरह से पापों की क्षमा पाने के लिए बपतिस्मा दिया है, तभी पापों की क्षमा मिलती है। आज बपतिस्मा फिर कभी पश्चाताप करेंगे ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं, सिर्फ विश्वास करो तो अनंत जीवन मिल जाएगा। यूहन्ना 3:16। पर विश्वास का अर्थ ही आज्ञा पालन होता है। इब्रानी 3:16-19। आज्ञा नहीं मानना पाप है, जिसे विश्वास होगा वो आज्ञा पालन
करेगा ही, इसलिए तो लिखा है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो ही बचाया जाएगा। मरकुस 16:16। बपतिस्मे की जरूरत है और है ही है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। इस विषय के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए। जरूर इस वीडियो को सुनिएगा और जरूर दूसरों तक भी शेयर करिएगा। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।